तो भाइयों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अपने घरों में अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी नौकरी पाने के लिए मेहनत भरपूर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को, जो कि आज हमारी होने वाली है DPHCM कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में। तो मेरे पास बहुत बच्चों के कमेंट्स और क्वायरी DMs भी आए हैं कि भैया कोई एक सेपरेट वीडियो ले आइए जिसमें आप DPHCM की एक कंप्लीट बुक लिस्ट बता दें कि क्या पढ़ना है, उससे बाहर हमें कोई भी बुक लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश के लिए मैं आपको एक ऐसी बुक बताऊँगा, सिर्फ एक ही बुक है, उसके बाद ना आपको वोकेबलरी की लेने की ज़रूरत है, ना कॉम्प्रिहेंशन की, ना किसी चीज़ की। बस एक ही बुक है जिसमें आपकी सारी चीज़ कवर हो जाएंगी, जो सारे टॉपर्स बताते हैं, जो सबके मुँह से एक ही बुक निकलती है, नीतू सिंह Volume 1। भाई इंग्लिश के लिए इससे बेस्ट बुक मार्केट में अभी कोई भी नहीं है। आएगी तो ज़रूर पता चलेगा आपको भी मुझे भी, पर पिछले कई सालों से और आने वाले कई सालों तक मुझे नहीं लगता कोई आएगी। नीतू सिंह Volume 1 बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए। इसमें आपकी वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सब चीज़ कवर हो जाती है। इसको लेने के बाद आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आपको पढ़ना कैसे है, इस बुक को पूरी पढ़िए, एक बार में समझ ना आए 1-1.5 महीने में इस बुक को एक बार ख़त्म करिए। एक बार में बुक समझ नहीं आए, ये मत समझना कि भाई हमें इंग्लिश नहीं आ रही, कोचिंग ले लें, इधर उधर मत भागना। इस बुक को दोबारा पढ़ना, जब आप दोबारा पढ़ोगे तो आपके टॉपिक्स और क्लियर होते जाएंगे जो आपको पहली बारी में समझ नहीं आए होंगे। इसी तरीके से जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आता, ये बुक आप मैक्सिमम टाइम जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ें, इससे हटके इंग्लिश में कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो भाई इंग्लिश के लिए 1 & 1 सॉल्यूशन है नीतू सिंह Volume 1, इससे बाहर कुछ नहीं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद, मैं भी इसी से इंग्लिश करता हूँ, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। भाई ये ले लो, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में आप पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने बेसिक क्लियर करें, वो आपकी हेडेक है, आप कहीं से भी करें, यूट्यूब से करें, चाहे किसी का कोर्स लेकर करें। मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं राकेश यादव सर से कर रहा हूं, पर ये मेरा पर्सनल है, आप अपना कहीं से भी कर सकते हैं जहां से आपको अच्छा लगे। यूट्यूब पे भी कई चैनल हैं जो फ्री में कोर्स करा रहे हैं, आपको वहाँ से समझ आ रहा है तो वहाँ से करिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अपना कोर्स करने के बाद एक बुक लेके आइए, किरण प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स की, बहुत मोटी बुक है। इसके आपका कोर्स पूरा होने के बाद आपको इसके डेली मिनिमम 50 क्वेश्चन लगाने हैं भाई, मिनिमम। अगर उससे आप कर पाएँ तो आपकी कैपेसिटी है, पर मिनिमम तो आपको 50 क्वेश्चन लगाने ही हैं। आप 50 क्वेश्चन भी डेली लगाएंगे तब भी 6-7 महीने में जाके बुक ख़त्म होगी भाई, ये इतने कितने क्वेश्चन हैं इसमें। तो मैथ्स के लिए आपका ये सॉल्यूशन हो गया, पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए, कहीं से भी करिए, वो आपकी हेडेक है। उसके बाद अपने किरण प्रीवियस ईयर लाइए, इससे प्रैक्टिस लगाइए, डेट्स ऑल। इससे मैथ, इससे बाहर मैथ में कहीं नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं आपका रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं बताऊंगा। अगर आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो यूट्यूब से टॉपिक देखिए, उनके 5-10 क्वेश्चन लगाइए, नेट से देख लीजिए, गूगल से PDF डाउनलोड कर लो, और आपका रीजनिंग आपके मॉक में कवर हो जाएगा। जब आप अपने मॉक टेस्ट देंगे उसमें जो आप रीजनिंग लगाएंगे उसकी रीजनिंग आपके लिए इनफ हो जाएगी। रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक बुक नहीं बताऊंगा। और अगर आपको फिर भी लेनी है कि भैया हमें तो लेनी ही है, तो आप किरण की प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है लेनी। अगर आपको बहुत इच्छा है लेने की कि मेरे पास बुक होनी चाहिए, तो किरण की प्रीवियस ईयर ले लो रीजनिंग की भी। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा GK, जनरल अवेयरनेस। GK में पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भाई लूसेंट लाइए। ये लूसेंट आती है, इंग्लिश की येलो होती है और हिंदी मीडियम वालों की ब्लू होती है, ये लूसेंट लाइए। इसमें आपके कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इसमें आपका कंप्लीट आ जाता है। इसको पढ़िए, जितनी बार हो सके इसको पढ़िए पेपर आने तक। और जब ये बुक आपकी 1-2 बार पूरी हो जाए, उसके बाद आप किरण प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लगाने चालू कीजिए, GK के। इसके क्वेश्चन भी आपको मिनिमम 50 लगाने हैं, इससे ज़्यादा कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें जैसा आपको दिख रहा होगा 13,500 क्वेश्चन है। अगर आप रोज़ भी 50 के एवरेज लगाएंगे तो भी 8-9 महीने में जाके पूरी होगी, पर क्योंकि GK के क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो आप इसके डेली 100-150 क्वेश्चन आराम से लगा लोगे। तो ये आपकी बुक है। लूसेंट कवर करने के बाद पहले लूसेंट पढ़ें, इसको पढ़ने के बाद आपकी
ये बुक है, इससे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और इसमें एक अच्छी बात हो रहा है कि इसमें क्वेश्चन के आंसर्स के साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। सॉरी अगर आपका कोई टॉपिक लूसेंट में छूटेगा तो आपका वो इसमें कवर हो जाएगा। तो भाई ये था जीके के लिए। अब हमारा लास्ट बचता है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए एक छोटी सी बुक आती है लूसेंट की, ये आपके कंप्यूटर की 50-60 रुपये की बुक है। इसको पढ़ेंगे आपका कंप्यूटर का हिस्ट्री बैकग्राउंड जो होता है और आपका बेसिक सब पूरा हो जाएगा। एमएस ऑफिस वगैरह की भी इसमें थोड़ी डिटेल दी हुई है, पर इसके अलावा आपको एमएस ऑफिस के शॉर्टकट्स और पढ़ने होंगे, वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल के आपको शॉर्टकट्स भी याद करने होंगे, क्योंकि शॉर्टकट बहुत आते हैं पेपरों में। तो एक ये बुक ले आइए और शॉर्टकट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, या कहीं आपके पास कोई और सॉल्यूशन है तो वहाँ से उन्हें याद कर लीजिए। पर कंप्यूटर में आपको इस बुक के अलावा शॉर्टकट जरूर करके जाने हैं। तो भाइयों ये था इस वीडियो में, मैंने आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बता दी है DPSCM की। अगर आप इन बुक को पूरा कर लेते हैं तो आपका 100% कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। और भाई ज़्यादा बुक इकट्ठी मत करो, क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। एक बुक को पढ़ो 10 बार पढ़ो, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ो। तो भाइयों यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। भाई थैंक यू।